बड़ा अफसोस हुआ है यार दोनों टीम लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे तालियां बजाते रहते हैं हार जाते हैं फिर उसके बाद जवाब क्या तुम जीतो यो हारो सुनो सुन लो फिर उन्होंने तो कहते ना भगा भगा के कल हमें मारा है लाला ये क्या हो गया कल अफगानिस्तान के अंदर अफगानी इतने खुश और खुशी के मारे वो जश्न मना रहे के पाकिस्तान के हारने की खुशी में आप जाके देखिएगा कि यार ये किस कदर बदतमीज किस कदर ये पूरी पूरी रैलियां निकाली जा रही है पाकिस्तान के हारने की खुशी में ये पाकिस्तान को हारते हुए देखना फिटे करारदाद पेश की है कि हमारी दिल आजारी हुई है गमो गुस्सा है रमीज राजा के खिलाफ उन्होंने करारदाद छोटा सा क्लिप देखा यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान के रिपोर्टर किस तरीके से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की हार के बाद जश्न मनाते हैं इसके पीछे की वजह मैं वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसी बताऊंगा कि आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा क्या है भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग मैच में इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते लेकिन अफगानिस्तान के लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं रीज़न तो भारत और आपको पता होगा पाकिस्तान के बीच ज़्यादा क्लैशेज हुए हैं लेकिन अफगानिस्तान के अगर आपको क्लैशेज पता चलेंगे ना वहाँ के नॉर्मल लोगों की आप दिल की आवाज़ सुनेंगे ना तो पाकिस्तान को वो दुनिया का सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते हैं पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात अगर आपको याद एंड कैसा रहा ये पाकिस्तान को हारते हुए देखना फिटे मुंह अच्छा वैसे आपको बताऊं कि बड़ा गमो गुस्सा भी है वाम में करारदाद जो है वो भी पेश हुई है पंजाब असेंबली में नून लीग की रुकन है पंजाब असेंबली उन्होंने करारदाद पेश किया जरा गुस्सा तो है बहुत गमो गुस्सा है लेकिन आपको लग रहा था कि ठीक थे फॉर्म में थे कि नहीं क्या करारदाद थी उन्होंने करारदाद पेश की है कि हमारी दिल आजारी हुई है गमो गुस्सा है रमीज राजा के खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश की है तो मेरा ख्याल से जो रमीज राजा के खिलाफ लोग अब अनसेटिस्फाइड होना शुरू हो गए हैं उसका नतीजा इस सूरत में निकल रहा है कि अवाम का गमो गुस्सा अब असम्बलीज तक पहुँच गया और करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली में मुझे याद है कि जब हम एशिया कप यही कप खेल रहे थे बांग्लादेश में मेरा ख्याल है गालबन कुछ 8 साल पहले तो वहाँ भी पाकिस्तान टीम लॉस्ट टू बांग्लादेश मेरा ख्याल है कुछ याद पड़ रहा है और उस वक़्त भी नेशनल असम्बली के अंदर सवाल खड़े हो गए थे कि जी देखिए कितनी बुरी शिकस्त है और शर्म आनी चाहिए एंड सो ऑन और फिर उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि चेयरमैन पीसीबी की छुट्टी कराई जाए उस वक्त शहरयार खान साहब थे चेयरमैन ठीक है लेकिन दिल तो बड़े मायूस हुए हैं सिटी साहब लेकिन तो वो मैच था जो आम आदमी लास्ट टाइम जो मैच गुजरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो गाइस इस पर इतनी खुशी अफगानिस्तान को हो रही थी गाइस इतनी खुशी इंडिया को होनी चाहिए लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अफगानी इतने खुश और खुशी के मारे वो जश्न मना रहे के पाकिस्तान के हारने की खुशी में इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा पूरी पूरी रैलियां निकाली जा रही है पाकिस्तान के हारने की खुशी में लास्ट मैच गुजरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा मैच लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम मैच नहीं जीत सके तो इसके मैच के बरक्स में हम देखते हैं जब पाकिस्तान हारता तो श्रीलंका के अंदर सॉरी अफगानिस्तान के अंदर एक जश्न मनाया जाता है ऑब्वियसली हमारी एक एक बॉन्डिंग है उनके साथ बींग अ मुस्लिम और मतलब हमें एटलीस्ट अगर हम लोग हारे हैं या हमने हमारे साथ कोई बुरा वाकया पेश आया है तो हमें एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ना कि क्रिटिसाइज़ करें हम एक दूसरे को बल्कि इस तरह शो करें कि जैसे हमें तो बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया है इस चीज़ को तो दैट इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली रॉन्ग मतलब एक सेंसेबल बंदा एक प्रॉपरा लिखा बंदा या कोई भी जो किसी भी क्लास का बंदा है वो इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करेगा वो डिस्करेज करेगा कि आपको एटलीस्ट सपोर्ट की बजाय आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं मतलब दिस इज वेरी बैड मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो उन्होंने वो रिएक्ट किया उसके बदले आप कुछ नहीं है उससे
बेसिकली मतलब गलत किया उन्होंने, मतलब गलत किया, मैं यही बात कह रहा हूँ। इसमें यह है कि मुसलमान कंट्री होने के नाते ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ, इंडिया तो स्टार्ट से हमारी उनसे है, इस तरह की चलती आ रही हैं चीज़ें। पॉलिटिकल लेवल पे अगर पॉलिटिकल लेवल पे भी देखा अगर जाए तो इस वक्त पाकिस्तान एक एलाय है अफगानिस्तान का। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग उनसे कोई नफरत करते हैं, वो हमारे भाई हैं, मतलब कि हर मुश्किल में हम लोग सबसे पहले आगे हैं। इवन दो के आपने देखा होगा, नेटो टाइम देखा होगा, मतलब डिफरेंट एराज के अंदर हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, खुशी हो गमी हो हमने आगे बढ़ के उनका साथ दिया। लास्ट मैच भी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, तो जब लास्ट के बॉल में कुछ टाइम रह गया, जब हमारे जो आसिफ ने छक्का मारने की कोशिश की लेकिन कैच आउट हो गया, कैच आउट होने के बाद तो आपस में अफगानिस्तान के खिलाड़ी और उनके दरमियान में आपस में झड़प हुई। उसका बरक्स आप देखेंगे कि जो शायकीन बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर वो भी आपस में लड़ पड़े। आपके होगा मोस्ट बहुत से वीडियो क्लिप्स वायरल हुए थे जिसके अंदर वो एक ये भी नहीं हया कर रहे थे कि एक किसी और प्रदेश मुल्क में है, क्या इमेज जाता है आपका, तो वो एक दूसरों को कुर्सियां मार रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, तो ये कौन सा कोई मतलब तरीका है। हाँ, गुस्से का इजहार ऑब्वियसली होता है बीइंग अ नेशन। इन लोगों ने नारेबाजी की, मतलब लिमिट्स क्रॉस किया, लिमिट क्रॉस की। उसके बाद जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, किस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स पर होर्डिंग की गई अफगानिस्तान की तरफ से, और जब प्लेयर्स के दरमियान ग्राउंड में हुई तो बाहर भी असर पड़ा उसका। देखा आपने शारजा के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन आपस में झड़प पड़े। पूरी रात मैं नहीं सोया, परेशान रहा। पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट मैच के अंदर, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। खैर एनीवे, वैसे भी हमारे क्रिकेट प्लेयरों के हाथों में सुराख है, कैच तो ये पकड़ नहीं सकते, तो नहीं, वैसे ये बड़े होशियार बनते हैं। आप इनसे पूछें, वो जो कौन सा लड़का था जो लंदन की गलियों में डांस कर रहा था ढोल बजाने वाला, भी ये काम बहुत अच्छे हैं सर, इस किस्म के कामों में बहुत अच्छे हैं। एक आपका क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तान ने एक बड़ा मशहूर मैच हारा था, उसके बाद वो जुआ खाने में जुआ खेल रहा था, है ना, और लंदन की गलियों में वो बच्चा, क्या नाम क्या यार उसका, वो जो फड़क फड़क के डांस कर रहा था, ये काम करवा लो इनसे। और वो क्या नाम है यार उसका, वो जो शोएब मिर्ज़ा है यार, वो जो इंडिया की भाभी है, क्या नाम उसका, सानिया मलिक, नहीं मलिक, शोएब मलिक, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे होते हैं, दर्द तके का खेल पेश नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार मैं जज्बाती हो जाता हूँ। भाई मैंने जो बात की थी सही की थी कि अली भाई ने बाबर आजम के बारे में क्या कह दिया, इंडिया वाले मेरी क्लिप चला रहे, पाकिस्तान में वायरल हो रही है, लोग बोल रहे हैं यार इंडिया का एंकर कितना अच्छा है। इस पर सुनाऊँ क्या दो तीन तुम लोगों को, मैं पाकिस्तानी एंकर हूँ भाई, मेरा दिल रो रहा है यार, लोगों पर कोई असर ही नहीं होता ना, असर क्या होता है। लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। खैर एनीवे, अब मैं और नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। और रमीज राजा बोल रहा है अवाम ये के, रमीज राजा तो पकड़ में आ जाए किसी दिन, यकीन करो। अच्छा खैर एनीवे, छोड़ो अब इन बातों को, भूल जाओ, अब ये भूल जाओ, पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं बेटा क्या है, ठीक हो, अब्बू कैसे, अम्मी कैसी, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है ना, क्रिकेट मैच हार गया उसके कोई नहीं क्रिकेट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से एंकर बात कर रहे थे, हालांकि मैंने लास्ट में थोड़ा सा वीडियो को फनी बनाने के लिए पाकिस्तान का फनी रिएक्शन भी ऐड किया है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का मैटर है क्या, मैटर है तीन, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तीन बेसिकली मेन बड़े पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट है अगर आप देखें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक बॉर्डर डिवाइड करती है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, उसे बोलते हैं ड्यूरेन लाइन। ड्यूरेन लाइन ब्रिटिश ने बनाई थी, ऑब्वियसली आपको पता होगा। अभी जो सीन है वहाँ पे अफगानिस्तान का, चाहे वो तालिबान हो चाहे दूसरा पक्ष हो, वो दोनों क्लेम करते हैं, इसको नहीं मानते हैं, और जो पेशावर है उसको विंटर कैपिटल क्लेम करते हैं। वो बोलते हैं कि भैया ये विंटर कैपिटल है, इसको ब्रिटिश ने बनाया, हम इस लाइन को मानते नहीं हैं। ड्यूरेन लाइन को कोई भी नहीं मानता, चाहे वो अफगानिस्तान का ये वाला पक्ष हो या वो वाला पक्ष हो। ड्यूरेन लाइन के दोनों तरफ एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, पश्तून बेल्ट कहलाता है वो। अब दूसरा पॉइंट, जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर रशिया था उस टाइम पे जो भी सिचुएशन थी, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये रशिया
बलूचिस्तान को भी ब्रेक करेगा, ब्लैक सी तक पहुंचेगा, जो भी आपको पता है बहुत सारी थ्योरी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में जिहादियों को बनाया, जिहादियों को रशिया के खिलाफ खड़ा किया और रशिया को निकाल दिया, ठीक है, और रशिया निकल गया वहाँ से। हालांकि मेन रीज़न उसका निकलने का ये था कि रशिया इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, रीज़न यही था, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो रशिया वहाँ से निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अलकायदा को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की सहायता से अमेरिका आ गया। रशिया को भगाने के लिए जब पाकिस्तान ने वहाँ पर जिहादी बनाए थे, उन लोगों ने वहाँ पर गजब तबाही मचाई, जिहादी बनाए, ऑब्वियसली सिविल वॉर होगी और वहाँ पर उस वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान आ गए, जिसको ये लोग हमेशा बोलते हैं नमक हराम, यहाँ पे आके हमने इनको पनाह दी, ये दिया वो दिया, फलाना ठिकाना, ये हमें धोखा देते हैं। भैया, उनको पनाह देने की वजह क्या थी, उनको वहाँ से निकलने की वजह क्या थी, निकालने की वजह, वहाँ से अफगानिस्तान छोड़ने की वजह क्या थी, पाकिस्तान था। फिर अमेरिका आया अलकायदा को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को वहाँ पे स्पेस दी, जगह दी, फिर क्या हुआ, अमेरिका को निकालने के लिए तालिबान बनाया, तालिबान से भी पैसे लिए, अमेरिका से भी पैसे लिए, दोनों तरफ से डबल गेम चल रहा था, सिविल वॉर वहाँ कंटिन्यू है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो तीन तरीके के लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, तो जो पश्तो बोलने वाले थे वो नीचे चले गए, उज़्बेक ऊपर चले गए, ऐसा कुछ सीन बन रहा था वहाँ पे, और बस वहाँ के लोगों को सब कुछ ये साफ समझ में आ रहा था, उन्हें असलियत पता थी, रीज़न क्या है, किस वजह से हम ये पागल हुए पड़े, हमारे लोग यहाँ से वहाँ सब जगह क्यों जा रहे हैं, पता चलेगा कि पाकिस्तान का गेम है। बस अब तालिबान को भी पता चल गया, तालिबान ने भी हाल में ही धमकी दे दी है, अभी अमेरिका की एक ड्रोन स्ट्राइक हुई, कहाँ से हुई, अफगानिस्तान में लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके वो